ಸೋರುಗಿತಂ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಗುರವೇ ಗೌರಚಂದ್ರಾಯ ರಾಧಿಕಾಯ ಸ್ತದಾಲಯೇ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣಭಕ್ತಾಯ ತದ್ಭಕ್ತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ವಾಚಾಕಲ್ಪದರ್ಭಸ್ಸ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಭೈವ ಚ ಪತಿತಾನಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಅಜಾನುಲಂಬಿತಭುಜೌ ಕನಕಾಭದಾತೌ ಸಂಕೀರ್ತನೈಕವಿತರೌ ಕಮಲಾಯತಾಕ್ಷೌ ವಿಶ್ವಂಭರೌ ದ್ವಿಜವರೌ ಯುಗಧರ್ಮಪಾಲೌ ವಂದೇ ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಕರೌ ಕರುಣಾವತಾರೌ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾಸಿಂಧೋ ದೀನಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತೇ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾಕಾಂತ ಶ್ರೀರಾಧಾಕಾಂತ ನಮಸ್ತುತೆ. ತತ್ ಕಂಚನ ಗೌರಾಣಿ ರಾಧೇ ಬೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿ ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತ್ಯಾಭಿಹೀನಾಪರಾಧಲಕ್ಷೈ ಕೀರ್ತಾಸ್ಯ ಕಾಮಾದಿ ತರಂಗಮಧ್ಯೈ ಕೃಪಾಮಯಿ ಚರಣಾರವಿಂದಮ. ಹೇ ಶ್ರೀ ಸನಾತನ ಪ್ರಭು ಕರುಣಾಂಬರಾಸೆ ಹೇ ರೂಪ ದುರ್ಗತ ಜನೈ ದಯಾವಲೋಕೈ ಹೇ ಭಟ್ಟ ಜುಗ್ಮ ಸುಮತಿ ರಘುನಾಥ ದಾಸ ಶ್ರೀ ಜೀವ ಮೇ ಕುರುತ ಮಂದ ಮತೀರ್ ದಯಾಂಗ ಬರಾತ್ ತಮಾಲಿ ದೇವಂ ಕರುಣಾನಿಧಾನಂ ತಮಾಲವರ್ಣಂ ಸ್ಮೃತಾವತಾರಂ ಅಪಾರ ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರ ಸಹಿತು ಭಜಾಮಹಿ ಭಾಗವತಂ ಸ್ವರೂಪಂ. ಜನ ಪ್ರಭಜಂತಮನುಪೀತಮಪೇತಕೃತ್ಯಂ ದ್ವೈಪಾಯನ ವಿರಹ ಕಾತರ ಆಜು ಭಾವ ಪುತ್ರೇತಿ ತನ್ಮಯತಯಾತರ ವಿನೇದು ಸ್ತಮ ಸರ್ವಭೂತ ಹೃದಯ ಮುನಿವಾಣ ತ್ವಸ್ಮಿ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ ನರಂಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತಥೋ ಜಯಮುದಿರೈ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತ ವೃಂದ ಸಬ್ ಎಕ್ ಬಾರ್ ಹಾತ್ ಉಠಾಕರ್ ಬೋಲೋ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ 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 ರಾಮ ಹರಿ ರಾಮ 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 ಹರಿ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ 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 ರಾಮ ಹರಿ ರಾಮ 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 ಹರಿ ಹರಿ. ಸರ್ವಪ್ರಥಮ ಮರಿ ಗುರುಪಾದ ಪದ್ಮ ನಿತಲೀಲಾ ಪ್ರವಿಷ್ಣು ವಿಷ್ಣು ಪಾದ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರೀರೂಪ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜಿಗೆ ಚರಣ ಕಮಲ ಮೇ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಕರ್ತಾನ. ತತ್ಪಶ್ಚಾತ್ ಮೇರೆ ಸಿಕ್ಕಾ ಗುರು ಪಾದ ಪದ್ಮ ನಿತಲೀಲಾ ಪ್ರಭಿಷ್ಟಂ ವಿಷ್ಣು ಪಾದ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಶ್ರೀಲ ನಾರಾಯಣ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜಿಗೆ ಚರಣ ಸರೋಜ ಮೇ ಶ್ರದ್ಧಾ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಣ ಕರ್ತಾನ. ಉಪಸ್ಥಿತ ವೈಷ್ಣವಿ ಮಾತಾ ಪಿತಾಯ ಭಾಯಿ ಬಹಿನ್ ಸಭಿಕೋ ಮೇ ಯಥಾಯೋಗ್ಯ ಪ್ರಣಾಮ ಕರ್ತಾ. ಗತಕಲ್ಲ ಹಮ ಲೋಕ ಶ್ರವಣ ಕರ ರಹೆ ಥೆ ಕೃಷ್ಣ ಜಬ್ ಇಂದ್ರ ಕಿ ಪೂಜಾ ಬಂದ್ ಕರಾ ಕೆ ಶ್ರೀ ಗಿರಿರಾಜ್ ಗೋವರ್ಧನ್ ಕೋ ಉನ್ಹೊನ್ನೆ ಪೂಜಾ ಕರವಾಯಿ. ಜಬ್ ಏಕ್ ಸಾಲ್ ಬೀತ್ ಗಯಾ ಇಂದ್ರ ದೇಖಾ ಹರ್ ಸಾಲ್
ये ब्रजवासी मेरी पूजा सेवा करते थे, इस साल तो कोई पूजा सेवा की कोई नाम गंध तक भी नहीं। इंद्र ने एक दूत को भेजा, देख करके आओ ये ब्रजवासी क्या कर रहे हैं। वो दूत ने देखा इंद्र के लिए जितने मालपुआ राबड़ी रसमलाई और जितने सब अन्न व्यंजन बनाया था कृष्णा सबके सब लेकर के श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करवा रहे। उसने इंद्र को जाकर के शिकायत कर दी। इंद्र को इतना क्रोध आया, कृष्ण को तो गाली देने लग गया। बोले ये जो ब्रज है ये ब्रज नाम का नाम निशाना में मिटा दूंगा। एक बालक की बात में आकर के इतने सालों से मेरी सेवा पूजा कर रहे थे, बंद करवा दिया। इंद्र ने अनचास पवन संबर तक मेघ को बुलाया, बोले ब्रज में ऐसे प्रलय ले आओ जैसे ब्रज नाम का कोई गांव नहीं रह जाए। अभी इंद्र का आदेश पा करके हाथी के सूंड जैसे मूसलधारा से बारिश ओले गिरने लग गया। अंधी तूफान जैसे मानव ब्रज में प्रलय आ गया। सारे ब्रजवासी कृष्ण के पास में गए, बोले कृष्णा तुम्हारी बात सुन करके हमने इंद्र पूजा बंद करवा दिया, देखो ये क्या हो रहा है, अभी तुमको ही बचाना पड़ेगा। कृष्ण बोले कोई चिंता मत करो, हम सबके सब श्री गिरिराज गोवर्धन की हमने पूजा की है, सबके सब चलो अपना सामान लेकर के श्री गिरिराज की शरण में जाते हैं। सारे ब्रजवासी जब आए, कृष्णा अपना बाम हाथ और कनिष्ठ अंगुल को ऊपर में श्री गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने उठा लिया। बोले श्री गिरिराज महाराज की। बोले ब्रजवासियों कोई चिंता मत करो, सबके सब गिरिराज की नीचे आ जाओ। और मैया जसोदा कृष्ण को बारंबार मक्खन खिला रही थी, हाथ को मालिश कर रही थी, मेरे लाला के हाथ में कोई दर्द नहीं हो जाए। और जितने सखा लोग थे वो सबके सब डंडे ला करके गिरिराज गोवर्धन में लगा दिए। बोले कन्हैया तू कब तक ये गिरिराज को उठाओगे, थोड़ी सी तो विश्राम ले ले। कृष्ण ने कहा देखा सखाओं तुमसे ये गिरिराज टिकने वाले नहीं। बोले क्यों, क्या तू अकेला मैया का दूध पिए, हमने क्या मैया का दूध नहीं पिया, हाथ नीचे कर लो, हम भी मैया का दूध पिए हैं, हम सबके सब श्री गिरिराज गोवर्धन को उठा लेंगे। कृष्ण जब हाथ को धीरे 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 नीचे लाए, गिरिराज तो धीरे 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 नीचे आने लग गए। जितने डंडे लगाए थे सबके सब टूटना शुरू किया। बोले कन्हैया हमसे ये गिरिराज नहीं टिक गया, तू ये गिरिराज गोवर्धन को तुम उठा लो। ऐसे ही इंद्र 7 दिन तक उसने जी जान उसने लगा दी, ओले और वज्रपात बारिश। 7 दिन को बाद में इंद्र ने एक दूत को भेजा, देख करके आओ ये ब्रज का सत्यानाश हो गया कि नहीं। एक दूत ऊपर ऊपर से देख कर गया, बोले महाराज इंद्र ब्रज में एक चिट्ठी तक भी नहीं, सबके सब समाप्त। इंद्र और एक दूत को भेजा, बोले तुम जा करके देख करके आओ। वो जब दूत नीचे आया देखा ब्रज में एक चिट्ठी तक भी मरे नहीं, ब्रज में तो धूल उड़ रहा था। वो सोच रहा था शायद ब्रज में कोई आपत्ति आ जाएगी, आपत्ति नहीं। सारे ब्रजवासी कृष्ण को दर्शन करते हुए और सबके सब वहां पर होली गा रहे हैं और सबके सब वहां नाच रहे थे। बोले आज भी रज में होरी रे रसिया, 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 होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, होरी रे I'm gonna be right there.
उसने आकर देखा ब्रज में विपत्ति किया, ब्रजवासी तो होरी मच रहा है वहां पर, वो सब के सब नाच रहे और गा रहे हैं। जब उसने वापस गया, इंद्र ने कहा ब्रजवासियों का सत्यानाश हो गया कि नहीं? बोले महाराज इंद्र, ये ब्रजवासियों का सत्यानाश किया, सत्यानाश तो तेरा ही हो गया। बोले मतलब क्या? बोले मतलब तू जिसको साधारण बालक समझ रहा था ना, वो बालक नहीं, उसने तो ये कनिष्ठ अंगुल को परमेश्वरी गिरिराज गोवर्धन को उठा ली, और जितने ब्रजवासी थे सबके सब नीचे आश्रय लिए हुए, और वहां तो होली मच रहा था। इंद्र ने देखा ये कृष्ण है को, ध्यान लगाया तो देखा ये मेरे प्रभु है, जिसने कृपा करके वामन अवतार में बलि महाराज से ये इंद्र सिंहासन को लेकर के जिसने कृपा करके मेरे को इंद्र पद दिए थे, ये तो मेरे प्रभु जी है। इंद्र देखा लगता है मेरा इंद्र पद ही गया। वो अपना पत्नी सची को साथ में अमरावती में जब विश्राम करने के लिए गया, उसको नींद नहीं आई, क्योंकि लगता जैसे हमारा इंद्र पद ही छिन गया मेरे से। फिर उसने अपना गुरु जी को पास में जाते हैं, बृहस्पति को पास में, बोले गुरु जी मेरे से बहुत बड़ा एक अपराध हो गया, मैं तो सोच रहा था ये कृष्ण कोई ग्वाला है, लेकिन देखा ये ग्वाला नहीं, ये तो मेरे प्रभु है जिसने कृपा करके मुझे ये इंद्र पद दी। गुरु जी आप कुछ उपाय करो, नहीं तो मेरी इंद्र पद ही छिन जाएगी। गुरु जी ने कहा बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, चलो ब्रह्मा जी को पास में। जब ब्रह्मा जी को पास में आए, ब्रह्मा जी ने बोले तुमने सर्वनाश कर दिए, कि जो कृष्ण अवतार है ना ये साधारण नहीं, जितने सारे देवताओं का गर्भ को भगवान इसी अवतार में सारे गर्भ को उन्होंने नाश किया है। कुछ दिन पहले मैं भी बड़े बुरे तरह से मैं फंस गया था। बोले अब भी फंस गए थे? बोले कैसे? बोले जब भगवान कृष्ण एक दिन गैया चराते हुए वृंदावन में गए, जब वृंदावन में गए इतने में कंस ने एक दैत्य को भेज दिया जिसका नाम था अघासुर। वो विशाल सर्प रूप बन करके आया था और ऐसे मुंह को फाड़ करके बैठा हुआ था, लग रहा था जैसे कोई गुफा है। कृष्ण का जो छोटे छोटे सखा लोग थे इसको देख करके डर गए, वहां से भागने लगे, कोई सांप मुंह फाड़ कर बैठा हुआ। लेकिन जो बड़े बड़े सखा लोग थे बोले पागल हो गया, कभी इतना बड़ा सांप होता है देखा कभी? बोले ये क्या है? बोले लगता है ये विश्वकर्मा ने कोई गुफा बनाया, चलो हम उसको अंदर में चलते हैं। बोले अगर सर्प हो तो? बोले चिंता क्यों कर, तो कन्या साथ में ना, वो हमें जैसे बकासुर को मारे अघासुर को भी मार डालेगा। अभी सब के साथ उसको मुंह का अंदर में चले गए। जब जा रहे थे सर्प का होता है दो जीवा, जब अंदर में चल रहे थे एक सखा ने कहा भैया लगता है जैसे कोई कारपेट बिछा कर रखते हैं ना, जीवा कितने गुदगुदी होती है, कहते लगता है जैसे मानो कोई कारपेट बिछा करके रखा। बोले हाँ। बोले इसमें ये दो रोड क्यों बना हुआ? सांप के दो जीवा होता है। एक सखा ने कहा तेरे को पता नहीं? बोले क्या है? बोले एक तो अंदर में जाने के लिए, दूसरा अंदर से आने के लिए। जब और थोड़ी अंदर में गए वो अजगर सर्प श्वास बंद करके बैठा हुआ था, जब धीरे धीरे श्वास को छोड़े वो श्वास गर्मी होता है। बोले भैया अंदर से ये गर्मी हवा क्यों आ रहा है? एक सखा ने कहा लगता है अंदर में साधु लोग भजन कर रहे हैं, वो आसान प्राणायाम करते हैं ना, और एक साथ में साथ श्वास छोड़े होगी। ऐसे करते करते सबके सब अंदर में चले गए और कृष्ण सबसे पीछे थे। और कृष्ण देखा ये तो अघासुर मुंह फाड़ करके बैठा हुआ, जोर जोर से चिल्लाए सखाओं अंदर में मत जाओ, ये अघासुर है। लेकिन सखा लोग ऑलरेडी अंदर में जा चुके थे, वो देख रहा था कृष्ण अंदर में आ जाए फिर मैं मुंह को मैं बंद कर दूंगा। इतने में कृष्ण देखा मेरे को एक साथ में दो काम करना पड़ेगा, एक में तो सखाओं को रक्षा करना और दूसरे इसको मारना। इतने में कृष्ण जब अंदर में प्रवेश किए, अपना शरीर को जैसे भगवान को जो विराट रूप है
भगवान अपना विराट रूप को उन्होंने विस्तार किया, इतने बड़े प्रभु रूप धारण की, उसको गले में जाकर के प्रभु अटक गए और उसका मुंह मुंह में प्रभु भर गए। अभी स्थान हो तब तो ये मुंह को नीचे करेगा, बंद करेगा, इतने में उसको गले में जब प्रभु अटक गए, उसका श्वास बंद हो गया और प्राण वायु छुट्टी और उसका ब्रह्म तालु फट करके एक दीपक ज्योति ऊपर में निकला। जब कृष्ण ये अघासुर को बध किए, आकाश से देवता लोग देख रहे थे, इतने में देवता लोगों ने भगवान कृष्ण की जयकार लगाई, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जब देवता लोग जयकार लगाए, ये धीरे धीरे ये जय ध्वनि भूर भूग मोह जन तप सत्य लोग में पहुंचा। सत्य लोग में पितामह ब्रह्मा जी रहते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा ये देवता लोग ये जय जयकार क्यों कर रहे हैं। इतने में ब्रह्मा जी नीचे उतर करके आए और उन्होंने देखा कृष्ण का उम्र केवल 5 साल के हैं, लेकिन उसने विशाल श्री अघासुर को भगवान ने मारे। और उन्होंने और एक आश्चर्य घटना देखा, जब प्रभु अघासुर को मारे, उसका प्राण वायु जब तालु फट करके निकली, उसका ज्योति फिर ये कृष्ण का शरीर में इसका ज्योति समा जाते हैं। इसको देख करके ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य लगा, बोले ये कृष्ण कौन है, क्योंकि जो ज्योति है वो ज्योति आ करके वो कृष्ण को शरीर में समाया और कृष्ण का उम्र था केवल 5 साल के बालक। ब्रह्मा देखा ये बालक कोई साधारण नहीं, ये बालक साधारण नहीं तो ये ज्योति इसकी शरीर में समाया कैसे। ब्रह्मा और थोड़ी आगे की लीला देखने के लिए कृष्ण सखाओं को साथ में बैठ करके भोजन कर रहे थे, इतने में ब्रह्मा जी कृष्ण का जितने बछड़े को उन्होंने चोरी करके ले गए। इतने में सखाओं ने देखा हमारा बछड़े यहीं पर घास खा रहे थे, कहां चले गए। कृष्ण ने कहा कोई चिंता मत करो, तुम लोग यहीं पर बैठो, मैं देखता हूं। जब कृष्ण उनको ढूंढने के लिए गए, फिर ब्रह्मा जी जितने सारे ग्वाल वाल थे ना, इनको भी ब्रह्मा उठा करके ले गए और एक गुफा में उन्होंने उनको बंद कर दिया। बंद करके ब्रह्मा जब ब्रह्मलोक में गए, इतने में कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बन करके, ये ब्रह्मलोक में पहुंचने से पहले कृष्ण स्वयं ब्रह्मलोक में पहुंच गए ब्रह्मा बन करके। उनका जो दरबान था बोले देखो मैंने देखा मेरे जैसे कुछ बहु रुपया को घूमते हुए, अगर मेरे जैसे कोई आए तो अंदर में घुसने मत दिया करना। कृष्ण ही ब्रह्मा बन करके अंदर में बैठ गए। जब असली ब्रह्मा आए, जो उनका नौकर लोग थे ना, वो सबके सब डंडे लेकर को सब मारने दौड़े, बोले प्रभु जी तो सही बता रहे थे मेरे जैसे कुछ बहु रुपया घूम रहे हैं, हमारे प्रभु तो अंदर में, ये कहां से आ गए। जब उनको मारने के लिए भागे, ब्रह्मा जी देखा ये क्या बात है, ये मेरे नौकर मेरे को क्यों भगा रहे हैं, फिर मेरे रूप धारण करते हुए अंदर में कौन बैठ गया। ब्रह्मा जी ध्यान लगाए तो भगवान कृष्ण स्वयं ही वो ब्रह्मा बन करके उनको गद्दी पर बैठ गए। ब्रह्मा जी फिर और यहां से ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मलोक से नीचे उतरे। जब नीचे उतरे, कृष्ण जैसे सखाए थे, जैसे उनको ग्वाल बाल, जैसे उनको बछड़े, कृष्ण स्वयं उनको उतना रूप धारण कर गए और खुद खुद को लेकर के लीला कर रहे हैं। ब्रह्मा जब वापस आए, फिर देखा कृष्ण जैसे 1 साल पहले जैसे प्रभु लीला कर रहे थे, अभी भी प्रभु वैसे ही लीला कर रहे हैं। ब्रह्मा तो फिर चकराए, बोले ये सबके सब को लेकर मैं तो गुफा में बंद करके रखा, फिर इनको कहां से ले आए। फिर ब्रह्मा जी ध्यान लगा करके देखे, ये कृष्ण और कोई नहीं, ये कृष्ण मेरे प्रभु है, कृष्ण मेरे प्रभु है। एक साथ में दोनों तरफ में देखा तो
देखा जितने सखाए जितने सारे बछड़े और कोई नहीं, वो सबके सब चतुर्भुजधारी नारायण, सबके सब नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मा जी समझ गए मैं तो एक नारायण का नाभि कमल से मेरा जन्म है और यहाँ पर इतने सारे नारायण, मतलब है ये कृष्ण कौन है? कहते ये मेरे पिताजी की पिताजी की पिताजी की ये पिताजी ये कृष्ण है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राम। ब्रह्मा जी सीधा कृष्ण का चरण में लेट गए और अपना आंखों का आंसुओं से प्रभु की चरण को उन्होंने अभिषेक की और खड़े होकर के प्रभु को स्तुति कर रहे हैं। बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रहम अनादि राज गोविंद सर्व कारण कारणम। हरे कृष्ण। हाँ देखो एक अच्छी चीज को आप लोग समझो, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, आप ध्यान देकर सुनो, एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर बता रहे हैं, ये कृष्ण कौन है? हैं? अब तो ध्यान देकर सुनो, इतनी सी बात ध्यान देकर सुनो। हमारा वेद कहता है वो एक अपि बहुश्याम, पहले वो एक ही थे और एक से वो बहु हुए हैं, जिनको शास्त्र कहता है एक मेव अद्वितीयम, वो एक ही है लेकिन जब उनकी लीला करने की इच्छा हुई वो एक से ही प्रभु बहु हुए। कहते प्रभु ये एक कौन है? ये पुराण में आता है जब भगवान कृष्ण ये सृष्टि से पहले, ब्रह्मा कह रहे हैं सृष्टि से पहले कृष्ण ही एक थे, जब इनकी मन में लीला करने की इच्छा हुई लेकिन ये अकेले में वो लीला नहीं कर सकते हैं, इसलिए कहते सद्वितीय मैच्छत, वो दो होने के लिए इच्छा की। जब दो होने के लिए इच्छा की कृष्ण की वाम अंग से वो श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई और राधा रानी से ये जगत में जितने शक्ति हैं, उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मणी लक्ष्मी, ये जितने गीता सीता ये जितने शक्ति कहाँ से प्रकट हुई? कहते ये श्री राधा रानी से ही ये प्रकट होती है, क्योंकि जो राधा रानी ये भगवान की लादिनी शक्ति, ये पराशक्ति, इनकी स्वरूप शक्ति श्री ये राधा रानी। बोले कृष्ण के डाण अंग से कहते ये सदाशिव बासुरी ये बलदेव प्रभु प्रकट होते हैं और यही बलदेव प्रभु से कहते ये मूल संकर्षण प्रकट हुए और ये मूल संकर्षण से फिर वहां पर चतुर्व्यूह और उससे तीन विष्णु प्रकट होते हैं। हाँ ध्यान देकर सुनो, ये चीज तो सुनने के लिए थोड़ा कठिन ही लेकिन दिमाग में बैठा लो। कहते उसमें तीन विष्णु प्रकट हुए हैं, कहते ये तीन विष्णु कौन कौन और इनका काम क्या है? कहते पहला जो विष्णु है जिनका नाम श्री कारणाब दिशा है, कहते ये क्या करते हैं? जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं माया अध्यक्षण प्रकृति सुयते सचराचरम, ये कृष्ण गीता में कहते हैं कि जैसे पुरुष के बगैर स्त्री संतान को जन्म दे नहीं सकती है, उसी तरह जो मूल पुरुष जो भगवान जब उन्होंने माया को प्रति उन्होंने दृष्टि की, माया खोबित तो होकर के एक ब्रह्मांड नहीं कहते वो अनंत कोटि ब्रह्मांड को प्रभु सृष्टि करते हैं, ये देवी से सृष्टि हुई। फिर कहते दूसरा जो विष्णु जो अनंत ब्रह्मांड को सृष्टि की उसमें एक गर्भोदगसाई विष्णु, बोले इनका काम क्या? बोले हर ब्रह्मांड को अपना पसीना की जल से आधा ब्रह्मांड को भरे, जिनकी नाभि कमल से ये ब्रह्मा जी हुए। तीसरा जो विष्णु है कहते ये क्षीरोदगसाई विष्णु, बोले इनका काम क्या? बोले प्रत्येक जीव का हृदय में जो परमात्मा रूप में जो बैठे हुए हैं, कहते ये कौन है? कहते ये श्री क्षीराब्धि साई विष्णु। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं कृष्ण को स्तुति करते हुए, बोले कृष्ण कौन है? बोले ये ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदि। अनादि कौन हुए हैं?
कहते श्री बलदेव प्रभु बोले उनका आदि कौन है, कहते ये भगवान जो कृष्ण है जो सर्व कारण का जो कारण कौन है, कहते ये भगवान श्री कृष्ण कन्हैया। इनको देखने पर लगता है ये लड्डू गोपाल, ये छोटे से बैठे हुए बंसरी बजा रहे हैं, लेकिन ये साधारण नहीं, यही कृष्ण ही जितने सारे कारणों का कारण ये भगवान कृष्ण है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे अर्जुन, जब जब इस जगत में कोई दुर्घटना हो, संत गोपर में, गया गोपर में, वेद में, ब्राह्मण गोपर में अत्याचार हो, तब तक मैं इस जगत में अवतीर्ण होकर के भक्तों को रक्षा करता हूँ और दुष्टों को मैं विनाश करता हूँ। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तब यहाँ पर ब्रह्मा जी भगवान को 40 श्लोकों को द्वारा, ठाकुर जी को 40 श्लोक से भगवान को वो स्तुति किए हैं। हम लोग कोशिश करेंगे उसमें 2 श्लोक को सुनने के लिए, और जो 2 श्लोक है बहुत अच्छी श्लोक है भगवान ठाकुर जी की, जो 2 श्लोक है बहुत अच्छी, उसको सामने कर दो, पीछा हुआ उसको आगे करो। बोले श्री वृंदावन बिहारी जय, जय श्री राधे। बोले तत्वनुकंपा सुसुमिक्षमाण भुंजान इवात्मकृतम विपाकम। ब्रह्मा जी कहते हैं बोले हे प्रभु, हाँ अभी ध्यान देकर सुनो, ये एक अच्छी बात ब्रह्मा जी समझा रहे हैं। जैसे कभी कभी हम भगवान को भक्ति करते हैं, अगर भक्ति करते हुए थोड़ी मोटी कोई दुख कष्ट आ जाए ना, आप देखना भले ही कोई चीज को छोड़े नहीं छोड़े, सबसे पहले हम प्रभु का भजन ही छोड़ देते हैं। खाना नहीं छोड़ेंगे, सोना नहीं छोड़ेंगे, घूमना नहीं छोड़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, सबसे पहले क्या छोड़ देंगे, भगवान की भजन ही छोड़ देंगे। कहते अरे हम इतने भगवान की भजन की, हम इतने भगवान की भक्ति की, और भगवान ने हमारा साथ में ऐसे किया है, इसलिए हम प्रभु का भजन को छोड़ने के लिए पहले तैयारी बैठते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं, अगर जीवन में कोई अगर दुख कष्ट आए तो क्या समझो, बोले भुंजाम एवात्म कृतम विपाक, हमने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किया है वो कर्म के अनुरूप फल आया है। उदाहरण दिया, जैसे हम बीज बोएंगे ना, हमारे पेड़ कैसे होगा, अगर हमने नीम की बीज बोएंगे वहां पर कौन सा वृक्ष आएगा, कौन सा वृक्ष आएगा, नीम का ही वृक्ष आएगा। अगर हमने चीकू का वृक्ष बीज बोए तो कौन सा वृक्ष आएगा, चीकू का। अगर केले का बीज बोओगे तो कौन सा वृक्ष आएगा, केले का ही वृक्ष आएगा। इसलिए कभी किसको ऊपर में कभी दोष मत लगाओ, अरे अमुक का वजह से ऐसे हो गया, अमुक ने मेरे साथ में ऐसे कर लिया, कभी ऐसे मत समझो। इसलिए जीवन में जो कुछ हुआ है ये समझो हमारा किया हुआ कर्म का ही हमारी फल है, ये किसी की दोष नहीं। इसलिए कभी किसको ऊपर में दोष मत लगाओ, दोष लगाओगे ना फिर तो आप दुखी 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 होगी। देखो आपके की छोटी सी सही घटना सुनाता हूं, कहते ये पत्रिका में आया था, कहते एक समय 2 व्यक्ति बिजनेस करने के लिए गए, एक व्यक्ति था राजस्थान का और एक व्यक्ति था खड़गपुर का। ये दोनों व्यक्ति दोनों ही पैसा वाले थे, दोनों ने सोचा अगर हम दोनों का पैसा इकट्ठे कर लेंगे फिर बढ़िया कोई बिजनेस कर सकते हैं। अभी जो राजस्थान का व्यक्ति था उसने जो खड़गपुर जो व्यक्ति था ना उन्होंने पैसा लेकर उसको दे दिया। कहते ये पैसा ऐसे की चीज है ना, ये बड़े बड़े व्यक्तियों का बुद्धि को भी ये खराब कर देती है, बड़े बड़े बुद्धि लोग का दिमाग चकरा जाता है। उसने देखा, उसने जो पैसा दी किसी ने तो देखा ही नहीं, केवल वही जानता मैं जानता हूं, किसी तरह से उसको मैं मार डालता हूं, मारने पर सारे पैसे का मालिक मैं बन जाऊंगा। उसने जा करके एक पकौड़ा वालों से उन्होंने बात किया, बोले देख हम दोनों व्यक्ति पकौड़े खाने आएंगे लेकिन मेरे साथ में जो आएगा ना उसको तुम जहर बना करके लगा करके दे देना,
और मेरे को तो बढ़िया पकड़ा तुम खिलाना, अगर तू ऐसे करोगे ना तेरे को हम 1,00,000 रुपया दूंगा। पकौड़े वालों को अगर 1,00,000 रुपया मिल जाए, बोले भैया 1,00,000 रुपया तो मेरे लिए बहुत चीज है, हम तो कभी जिंदगी में कमा ही नहीं सकते। बोले कोई चिंता मत करो। उसने क्या किया, दोनों व्यक्ति जब आए उसको दोस्त को तो जहर मिलाकर खिला दिया, इसको बढ़िया पकौड़ा खिलाया, उसको पता चला जहर खाया, अभी रिएक्शन आएगा, अब इसको गाड़ी में बैठा कर घर में ले गया। लेते ही उसको उल्टी दस्त, ऐसे करते करते उसने प्राण को त्याग दी और उसका लाश को उसने कहीं छुपा दिया। अभी इकट्ठे बहुत पैसा हो गया, उसने बड़ा सुंदर मकान बनाया, लोगों ने सोचा शायद ये बिजनेस करने के लिए गया था, बिजनेस से शायद बढ़िया लाभ हुआ है इसलिए इतना सुंदर उसने मकान बनवाया। अभी उसकी जब शादी हुई, शादी को बाद में एक सुंदर बेटा जन्म लिया, वो इतना सुंदर बेटा जन्म लिया, वो बेटा जब बड़ा हुआ, जिस दिन से वो बेटा शादी हुई तब से पूरा बिस्तरा में वो लेट गया, ऐसे कठिन बीमारी इसको आई और किसी तरह से बिस्तरा से वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, और उसको पीछे पैसा लगाते 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 इसकी सारे पैसा खत्म हो गया। इतने में अभी वो मरने वाला और सारे परिवार लोग चारों तरफ में खड़े हुए हैं। ठीक मरने से पहले, अभी तक तो लेटा हुआ था और मरने से पहले ना बढ़िया आदमी बन गया और बढ़िया करके बैठ गया, और बैठ करके पूरा परिवार के लोग खड़े हुए और सारे बात बोलना शुरू कर दिया। बोले ध्यान से सुने, ये जो व्यक्ति है मैं राजस्थान का अमुक व्यक्ति हूं, हम दोनों ने यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आए थे और मैंने सारे पैसा इसको दे दिया और उसने किया कि एक पकौड़ा वालों को बोल करके मेरे को जहर का पकौड़ा खिलवाया और उसने मेरे को मार डाला, और मैंने इसकी प्रतिशोध लेने के लिए इसका बेटा बन करके आया, इसने मेरे से जितने पैसा लिया था, एक चक्रवर्ती ब्याज होता है ना, चक्रवर्ती ब्याज जानते नहीं, कहते मैंने सारे पैसा अपना बीमारी में खत्म कर दिया, केवल थोड़ी बहुत पैसा मैंने छोड़ दिया क्योंकि अभी मेरी अंतिम संस्कार इसको करना पड़ेगा, इसलिए हमने केवल थोड़ी बहुत पैसा हमने छोड़ दिया इसके लिए। ये व्यक्ति को पूछो उसने ऐसे की कि नहीं, उसने कहा हाँ मैंने ऐसे की है। फिर लोगों ने प्रश्न की, बोले ये बताओ तुम जब से शादी हुई तब से तुम्हें बीमारी में पड़ा, अभी तुम्हारी जो शादी हुई जो पत्नी अभी तो ये विधवा हो जाएगी, फिर इसने क्या पाप की थी? बोले आपको पता है मेरी पत्नी कौन है, जिसने ये पकौड़े में जहर मिलाकर खिलाई थी वही मेरी पत्नी बनकर के आई है, अभी जिंदगी भर उसको विधवा रहने पड़ेगी। इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो इसलिए हमें सावधान रहनी चाहिए, अगर हम किसी व्यक्ति को भलाई नहीं कर सकते हैं, कभी किसकी बुराई भी मत करो, किसकी बुराई भी मत करनी चाहिए, क्योंकि जो कर्म का जो फल है ना वो किसी को भी नहीं छोड़ता है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं कर्मणानाम गहिणा गति, ये जो कर्म का जो फल है ये किसी को भी नहीं छोड़ता है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं जीवन में जो कुछ आता है हंसते हंसते ये चीज को भोग लो, लेकिन भगवान की भजन कभी मत छोड़ा करो, प्रभु की भक्ति कभी मत छोड़ा करो, हैं भक्ति मत छोड़ना, और जीवन में जो कुछ आए समझना ये भगवान जो कुछ करते अच्छे के लिए करते हैं, भगवान सब कुछ हमारी अच्छे के लिए करते हैं, क्योंकि जो भगवान है वो मंगल भवन अमंगल हरी, भगवान कभी हमारी अमंगल नहीं कर सकते, जो कुछ आए हंसते हंसते उसको भोग करो। देखो और एक छोटी सी कथा सुनो, एक समय एक राजा एक महा और एक मंत्री थे, वो मंत्री बड़ा कृष्ण भक्त है, हर बात बात में वो बोलता था भगवान जो करते हैं ठाकुर जी अच्छे के लिए करते, ठाकुर जी कभी बुरा नहीं करते हैं। एक दिन राजा और मंत्री दोनों जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, शिकार खेलते खेलते राजा का ये कनिष्ठ अंगुली कट गई, राजा ने कहा महामंत्री मेरी ये कनिष्ठ अंगुल कट गई। इतने में मंत्री बोले महाराज भगवान जो कुछ करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। बोले क्या,
जिंदगी भर के लिए मेरा अंगुल कट गया। आज तुम बोलते हो ठाकुर जी जो कुछ करते अच्छे के लिए करते हैं। फिर मंत्री एक ही बात बताया, बोले देखो भगवान मंगल भवन अमंगल हरि, भगवान कभी अमंगल किसी की कर ही नहीं सकते हैं। वो जो कुछ करते हैं जरूर उसमें भी कुछ तुम्हारी मंगल है। राजा को तो बड़ा क्रोध आया, बोले जो कुछ करते अच्छे के लिए करते हैं। बोले हाँ अच्छे के लिए करते हैं। अब बोले तेरा अभी अच्छा दिखा था, एक अंधकार कुआ था, राजा ने किया क्या मंत्री को ना धक्का मार करके वो अंधकार कुआ में डाल दिया। बोले यही पर पड़ा रहो, भगवान जो कुछ करते अच्छे के लिए करते हैं ना, अभी पड़े रहो यहीं पर। राजा जब वापस आ रहा था, एक डाकू का सरदार ने माता देवी को पास में मनोती रखा था, बोले हे माँ अगर मेरे घर में एक बेटा का जन्म हो जाए फिर तेरे को एक मैं नर बलि दूंगा। अभी उसको घर में कैसे एक बेटा की जन्म हो गई। डाकू का सरदार डाकुओं को बोला जाओ ये जंगल में जो कोई मिले उसको पकड़ करके ले आओ, मैं माता को सामने नर बलि दूंगा। अभी भ्रमण करते करते राजा मिले और इसको ही पकड़ करके ले गए। बोले मैया तो बड़ी खुश हो जाएगी, क्यों इतने बड़े सुंदर राज शरीर है, माँ तो बड़ी प्रसन्न होगी। अभी उसको जब बलि चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे, राजा ने देखा मैं कहाँ फंस गया, मैंने ये तो मेरे को अभी जान से ही मेरे को खत्म कर देंगे जान से। अभी उसको ले करके जब उसको बलि चढ़ाने के लिए गए और उठाया तलवार उसको काटने के लिए, जब उसको तलवार उठाया, नियम है माता को पास में वही चीज को बलि चढ़ा सकते हैं जो शरीर पूर्ण हो, अगर अपूर्ण हो वो शरीर देवी को पास में बलि में नहीं चढ़ती है। इतने में देखा राजा का ये अंगुल कटा हुआ और वहां से खून टपक रहा था, उठाया था तलवार उसको काटने के लिए, राजा तो छटपट छटपट कर रहा था, लेकिन देखा जब खून भी टपक रहा है, बोले भैया ये मैया की बलि चढ़ने का ये लायक है नहीं, आप इसको छोड़ दो कि उसका अंगुल कटा हुआ है। इतने में राजा ने देखा ये मंत्री जो बता रहा था तो सही बता रहा था, भगवान जो कुछ करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, अगर मेरा ये अंगुल कटा हुआ नहीं होता है ना, मैं तो पूरा के पूरा देवी को सामने बलि में चढ़ जाता। इतने में राजा वापस आया और जो मंत्री को कुएं में फेंक दिया था उसको कुएं से निकाला। बोले महामंत्री तुम जो बोल रहा था ना तो सही बोल रहा था, भगवान जो कुछ करते हैं भगवान अच्छे के लिए करते हैं, अगर ये मेरा अंगुल कटा नहीं हुआ होता है ना, ये तो मेरे को पूरा के पूरा माँ को सामने बलि चढ़ा देते, पूरा के पूरा मेरे को बलि चढ़ा देते। उसको कुएं को अंदर से निकाला। बोले मंत्री मेरे मन में तो विश्वास हो गया भगवान जो कुछ करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन एक प्रश्न की शंका है। बोले बताओ। बोले तेरे को तब से अभी तक मैंने जो अंधकार कुआ में डाल करके रखा तेरा क्या कल्याण हुआ, तुम तो तब से अभी तक ये कुएं में पड़ा रहा है तेरा क्या कल्याण हुआ। मंत्री ने कहा महाराज आपका कल्याण नहीं हुआ है, कल्याण तो मेरा ही हुआ, अगर आप मेरे को ये कुएं में धक्का मार करके नहीं गिरा देते ना, आपका तो ये अंगुल कटा हुआ था आपको छोड़ देते और मेरे को पूरा के पूरा माता को सामने बलि चढ़ा देते। फिर तो राजा को विश्वास हो गया सचमुच से भगवान जो कुछ करते हैं वो सबके सब जीव की अच्छे के लिए करते हैं, कभी ठाकुर जी बुरा के लिए नहीं करते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ पर कह रहे हैं देखो जो भक्ति करने वाले जो भजन करने वाले अगर जीवन में थोड़ी बहुत कोई दुख कष्ट आए उसके लिए बिलबिलाना नहीं, उसके लिए दुखी नहीं है ना होना, भगवान हमारे साथ में ऐसे करते हैं। हाँ देखो आपको एक दो चीज समझा रहा हूं जिसमें भजन करने वालों के जीवन में अगर थोड़ी बहुत दुख आ जाए आप इसको किस रूप में ग्रहण करो। बोले दो भाई थे, एक तो बड़ा नास्ती और एक बड़ा आस्ती, आस्तिक नास्तिक समझ रहे कि नहीं, एक तो भगवान को मानता है और एक भगवान को नहीं मानता। अभी जो भगवान को मानता है वो तो दिन भर ठाकुर को सेवा पूजा करता है, माला जप करता है, तुलसी में पानी देता,
तिलक लगाता, कंठी पहनता है, भगवान को भजन करता, और जो भजन नहीं करता है ना उसको खिली उड़ाया करता था। बोले बेकार ये माला लेकर के ये पत्थर को सामने बैठते हो, बेकार अपना समय को बर्बाद करते हो, हैं? अपना बेकार ये समय को बर्बाद करते हो। एक दिन दोनों का निमंत्रण आया और दोनों निमंत्रण में जा रहे थे। जाते जाते जो भगवान की भक्ति नहीं करता था, जो भगवान की भजन नहीं करता था, उसमें क्या हुआ, भजन नहीं करने वाले व्यक्ति उसको एक सोने की मोहर मिल गया। उसने कहा देखा मैं भगवान की भक्ति भक्ति भजन भजन नहीं करता हूं और भगवान हमें एक सोने की हमें मोहर दे दिए और तेरे को क्या मिला। जब उन्होंने और थोड़ी दूर आगे गए, अभी जो भजन करता था उसको प्यार में इतने बड़े लोहे की सीख गड़ गई। जब सीख गड़ गई, अभी जो भजन नहीं करता था उसको अभी चांस आ गया। बोले देखा तू इतने भगवान की भक्ति करते हो, एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। हाँ हरे कृष्ण। देखो ये भक्त लोग आए ना, ये लोग बहुत दूर से आए, ये लोग बड़ौत से आए, बागपत बड़ौत से कथा सुनने के लिए उतना दूर से यहाँ तक आए हैं, और यहाँ पर साल में ये दो बार कथा होती है, हर साल में इनकी ये दो बार कथा कराते हैं। और ये जगन्नाथ जी की बहुत बड़ा रथ यात्रा निकलता है, जानते हो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, बहुत बड़ा अपना रथ बनाए और साल में एक बार इनका इन लोगों ने व्यवस्था करते हैं रथ यात्रा। हर साल कथा होती है, एक बार नहीं, ये साल में ये गांव वाले मिलकर के दो बार रथ यात्रा करते हैं। और इन लोगों ने वहां पर एक बड़ा सुंदर मंदिर भी बनवाया संत लोगों पर रहने के लिए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा वहां पर विराजमान है। इन लोगों ने सुंदर मंदिर भी बनाए और वहां पर संत लोग भी रह रहे हैं और वहां पर खूब भगवान की भजन पूजा पाठ खूब वहां आनंद है, खूब आनंद। इसलिए ये लोग इतना दूर से इन लोगों ने कथा सुनने के लिए बड़ोत से यहाँ तक आए हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए आप लोग भी यहाँ पर जो भक्त लोग हैं, आप भी कोशिश करना जैसे यहाँ पर भी कोई छोटे मोटे कोई जगह हो जहाँ पर भगवान की मंदिर हो, जहाँ पर रोज ठाकुर का कीर्तन हो, जहाँ पर रोज सत्संग हो। जिस गांव में भगवान की मंदिर हो, कथा हो, सत्संग हो ना, वो गांव गांव नहीं, वो गांव तो भगवान की धाम बन जाता है, भगवान की वो धाम बन जाता है। फिर जो बच्चे लोग इनकी गांव में, हम कथा करने से पहले 7-8 साल से कथा हो रही है, कथा करने से पहले वहाँ के बच्चे इतने शराब पीते थे जो सोच नहीं सकते, शराब पीना जितने अंटसंटे काम सब करते थे। लेकिन जब से उन्हीं गांव में कथा होने लग गई, गांव के गांव लोग सब परिवर्तन हो गए, सबकी गला में देखो, इनके गला में देखो कंठी है, तिलक लगाए, माला जप कर रहे, पूरा गांव के गांव लोग सारे शराब खराब छोड़ दिए, उल्टा पुल्टा काम जुआ फुआ सारे छोड़ दिए और छोड़ करके पूरा इनके गाँव के लोग घर घर में हरि कीर्तन हरि भक्ति घर घर में हो रही है। इसलिए आप लोग भी कोशिश करना यहाँ पर भी छोटे मोटे कोई मंदिर बन जाए, हैं, जहाँ पर रोज भक्त लोग हो, घर घर में जाए, हरि कीर्तन हरि कथा हो, फिर आपका गांव भी भगवान की गोलोक वृंदावन बन जाएगा। फिर बच्चे लोग बिगड़ेंगे नहीं, बच्चे लोग उल्टा सीधा रास्ता में नहीं जाएंगे, भगवान की बच्चे भक्ति करेंगे, भगवान की भजन करेंगे, ठीक है ना। आप लोग भी यहाँ पर कुछ कोशिश करना करने के लिए, नहीं तो अभी का जो दुनिया आपको पता होगा स्मार्टफोन इंटरनेट ये टीवी ये फीवी आ करके ना, आपको पता होगा बच्चों कितने बिगाड़ रहे हैं, बच्चे इसके पीछे कितने बिगड़ रहे हैं, ये सब चीज आपको
सब अच्छे तरह से पता होगा, इसलिए आप लोग भी कोशिश करना जैसे भगवान की भजन और मंदिर हो। ठीक है, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हाँ, अभी जो भक्ति नहीं करता था, हाँ, जो भक्ति नहीं करता था उसको तो एक सोने की मोहर मिली, और जो भक्ति करता था उसको प्यार में एक लोहे की सीख गड़ गई। उसने कहा देख लिया, तू इतने राम राम कृष्ण कृष्ण करते हो, तेरे को क्या मिला, तेरी प्यार में लोहे की सीख गड़ गई, और मैं भगवान की भक्ति नहीं करता, देखो मेरे को सोने की मोहर मिल गई, देखा तुमने। इसलिए भजन भरने सब बेकार है भक्ति भक्ति। और वो तो एकदम दुखी दुखी हो गया, उसने रो रो करके ठाकुर जी को पुकारा, ठाकुर जी तेरे में इतने नाम लेता हूँ, भजन करता हूँ, भक्ति करता हूँ, तो सबके सामने मेरे को इसे अपमान करते हो, लज्जित करते हो। हाँ देखो, ध्यान देख रहे सुनो, इतने में आकाशवाणी हुई, बोले बेटा तुम दोनों को पूर्व जन्म की बात पता नहीं, अभी जिसको एक सोने की मोहर मिला है ना, ये पूर्व जन्म में इतने पुण्य उसने की थी, आज का दिन राज दरबार में उसको राज सिंहासन राज तिलक लगने वाला था, लेकिन वो मेरे को और मेरे भक्तों को ये चुगली करता है, ये निंदा करता है, इसलिए इसका सारे पुण्य को हमने खत्म कर दी, और खत्म करके एक सोने की मोहर दे करके वंचित कर दिया। और तुम्हारी बात सुना, तुमने पूर्व जन्म में एक मर्डर किया था, आज का दिन तुमको राज दरबार में फांसी झूलने वाला था, फांसी झूलता तेरा, लेकिन तुम मेरे भक्ति करते हो, मेरे नाम लेते हो, मेरे को पूजा सेवा करते हो, इसलिए मैंने केवल एक प्यार में लोहे की सीख कड़ा करके तेरे को मैंने छोड़ दिया। ये मत समझो भक्ति करने वालों को दुख आता है और भक्ति नहीं करने वालों को सुख आता, ऐसे मत समझो बेटा, विश्वास करके भगवान की भक्ति करते रहो, इसी में ही शांति और इसी में ही सुख है। हाँ। और एक चीज को समझो, जैसे हम भक्ति करते हैं, अगर थोड़ी दुख आ जाए ना, फिर हम सोचते हैं हम इतने भगवान के नाम पूजा किया, हम किसकी बुराई नहीं सोचते हैं, फिर दुख क्यों आता है। ध्यान देकर सुना, आपको एक अच्छी चीज समझा रहा हूँ, मेरे एक प्रश्न कर रहा हूँ उसको उत्तर देना। जैसे आपका गांव में गेहूं की खेती हो रही है, गांव में गेहूं का खेती, गांव में क्या करते हैं, एक ड्रम रखते हैं, ड्रम का नीचे एक छेद होता है निकालने का, और उसको ऊपर में गेहूं डाल देते हैं, और जितना जरूरत होता है नीचे से उतना निकालते हैं। आपको प्रश्न करता हूं, जैसे इसी साल आपने गेहूं की खेती की, बारिश नहीं हुआ ठीक से, पानी नहीं पड़ा, गेहूं का खेती छोटा छोटा हो गया, गेहूं का बीज छोटा छोटा हुआ, उसको ड्रम का ऊपर में डाल दो। दूसरे साल खेती की, गेहूं का दाना बहुत बढ़िया हुआ, बड़ा बड़ा हुआ, अभी उसको ऊपर में डाल दो। जब नीचे से गेहूं निकालोगे, आप लोग बताओ पहले कौन सा गेहूं आएगी, कौन बोलेगा हाथ उठा, कौन सा गेहूं आएगी, कौन सा आएगी। हाँ, यही चीज को समझो, अगर कोई बोले हमने ऊपर से तो बड़ा गेहूं का दाना डाला, ये छोटा गेहूं क्यों आ रहा है, ये छोटा गेहूं क्या आ रहा है, नहीं, हाँ आपने जो बड़ा गेहूं का दाना डाला वो भी आएगा, लेकिन कब आएगा, लेकिन पहले तुमने जो गेहूं की दाना डाली है ना वो छोटा डाला है, अभी बड़ा आएगा लेकिन छोटा जब खत्म हो जाएगा। हाँ, अभी हमें दिखाई पड़ता है हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन पूर्व जन्म में हमने क्या करके आए हमें कुछ पता है, हमें पता है नहीं। हाँ, बढ़िया गेहूं आएगा जब हमारे बुरे कर्म खत्म हो जाएंगे। हाँ, और एक चीज समझो, एक व्यक्ति ने तीन व्यक्ति को मर्डर कर डाला, एक व्यक्ति तीन व्यक्ति को मार डाला, और हमारे भारत का संविधान में नियम है जब एक व्यक्ति को जब कोई मर्डर करता है उसको आजीवन कारावास मिलता है, लेकिन वो कितने व्यक्ति को मर्डर किया है, तीन, लेकिन एक जीवन तो उसने कारावास में बिता दिया, अभी उसको दो बाकी है। इसलिए आप कभी कभी देखना, आप कुछ नहीं करते हो, आपने कोई दोष नहीं की, लेकिन किसी संग में चले गए, मारा किसी ने, लेकिन आप भी जल में बंद हो जाते हो। आप कहते हो हमने कोई बुरा कर्म किया ही नहीं, फिर हमको ये जेल में क्यों बंद होना पड़ा, कारण है अभी तुम्हारी दो बाकी है, एक तुमने भोग चुके हो,
अभी तुम्हारी दो बाकी है, इसलिए कभी कभी देखना बिना कारण के कारण हमें बीच में फंस जाना पड़ता है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं जीवन में जो कुछ हुआ है क्या समझो, अपना जीवन का कर्म का फल मान करके उसको भोग लो, हंसते हंसते भोग लो। लेकिन कभी भगवान की भक्ति को मत छोड़ा करो, भगवान की भजन मत छोड़ो। बोले क्यों? बोले भगवान कौन है? बोले वो सचिदानंद रूपाय, वो सचिदानंद स्वरूप है, भगवान रस स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान प्रेम स्वरूप है। वो संपत्ति का अधिकारी कब बनेंगे? जब जिंदा रहेंगे तभी तो पिताजी का संपत्ति को पा सकते हैं, अगर बीच में अगर मर गए तो पाएंगे कैसे? अगर जिंदा हो तो पिताजी की संपत्ति मिलेगा ना। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं जीवन में जो कुछ आता है उसको हंसते 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 भोग लो, उसको भोग लो, और भगवान की भजन मत छोड़ा करो, भगवान की भक्ति कंटिन्यू, भगवान की भक्ति करते रहो, बस एक दिन हमारे सारे पाप खत्म हो जाएगी और एक दिन प्रभु की चरण की हमें प्राप्ति होगी और जीवन में शांति और जीवन में हमें सुख की प्राप्ति होगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। जब ब्रह्मा जी भगवान को स्तुति कर रहे थे, भगवान की उन्होंने बड़ी बड़ी महिमा को गाई, लेकिन देखा भगवान मेरे ऊपर में संतुष्ट नहीं हो रहे, ठाकुर जी मेरे ऊपर में संतुष्ट नहीं हो रहे। इतने में ब्रह्मा जी ने सोचा अभी तक तो मैंने भगवान को स्तुति करके देखा, मैं थोड़ा उनकी भक्तों को स्तुति करके देखता हूँ, ब्रजवासियों को स्तुति करके देखता हूँ। पर ब्रह्मा जी ब्रजवासियों को स्तुति करते हैं, बोले अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रज उपसाम जनमित्र परमानंद पूर्णा ब्रह्म सनातनम। बोले हे प्रभु ये ब्रजवासियों की महिमा हम क्या बताएं, तुम तो पूर्णा ब्रह्म सनातन हो, लेकिन होते हुए भी आप ब्रजवासियों का किसका सखा बन गए, किसकी आप बेटा बन गए और किसकी आप प्रियतम बन गए। ये ब्रजवासी तो बड़े सौभाग्यवान है, जब उन्होंने इतनी सी बात बताई ना, इतने में भगवान थोड़ा मुस्कुरा दिए। फिर ब्रह्मा जी को पता चला भगवान का कमजोर काम पर, कमजोर मतलब शिक्षा देते हैं, अगर मुझे प्रसन्न करना चाहते हो क्या करो, मेरे भक्तों को अगर तुम सेवा करोगे ना मैं अपने आप प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए ब्रह्मा जी भगवान को उन्होंने 3 बार परिक्रमा लगाए, परिक्रमा करते करते बोले हे प्रभु अगर कोई कहता है, अरे मैं भगवान को जानता हूँ, वही जो टेढ़े टांग वाला ना जो बंसुरी बजाता है वृंदावन में, जो गैया चराया करता था गोपियों को कपड़ा, वही कृष्ण की बात कहते हो ना, अरे हम जानता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं पितामह ब्रह्मा हूँ जिसने ये सारा विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि की, मेरा 4 सर है तुम्हारे तो 1 सर है। वो कहते हैं पृथ्वी का धूल कणा को कोई गिन सकते हैं, बारिश का बूंद को कोई गिन सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की जो महिमा को कोई था नहीं पा सकता है। फिर ब्रह्मा जी भगवान का चरण में साष्टांग प्रणाम किया, प्रणाम करते हुए ब्रह्मा जी वहां से चले जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं इंद्र मैं भी एक बार बड़े बुरी तरह से मैं भी फंस गया था, बड़ी कष्ट से मैंने निकला। देखो कृष्ण का एक नाम है गोपाल, गोपाल मतलब जो गैया को पालन करते हैं, जाओ तुम जो सुरभि गाभि की आनुगत्य में तुम भगवान के शरण में जाओ, गैया की आनुगत्य में जाओगे ना भगवान माफ कर दे, क्यों जो गो है वो माता है, गैया वो माता है। तब इंद्र भगवान को पास में जा करके माफी मांगता है, भगवान को पंचामृत से भगवान को अभिषेक किया है और भगवान का एक नया नाम रखा गोविंद नाम रखा। इसलिए कल किसी भक्त ने हमको कोई प्रश्न किया था ये गोविंद नाम को किसने रखा है, कहते ये गोविंद नाम को श्री इंद्र ने, श्री ये गोविंद नाम को रखा है। बोले श्री गोविंद भगवान की जय, जय श्री राधे। अभी
प्रभु जी आपको एक भजन सुनाएंगे, फिर इसको आगे कथा सुने बोलो। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हो मिलेगा सांवरिया